गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 7 ऑफ द सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू ऑफ क्लास 4. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डेट एंड अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स व्हिच आई हैव अंडरलाइन इन दिस चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मदर्स लव हैज़ नो इक्वल, यानी माँ के प्यार का कोई तोड़ नहीं है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता. All of us make mistakes, but a person who corrects us when we are wrong is our true friend. हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन वह इंसान जो हमारी गलतियों को सुधारता है वो हमारा सच्चा दोस्त होता है. Our parents are our true friends. हमारे माता पिता हमारे सच्चे मित्र हैं. When we are wrong, they make us realize our mistakes and point out the right path to us. जब हम गलतियां करते हैं तो वो हमें हमारे गलती का एहसास कराते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं. लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ टॉम्स मदर मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक. तो आइए हम यहाँ पे एक कहानी पढ़ते हैं कि कैसे टॉम की माँ ने उसकी गलती को उसका एहसास करवाया. टॉम एंड हिज मदर लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन. ही वॉज अ वेरी केयरलेस बॉय. He never helped his mother in any of her household work. Tom जो है वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से नगर में रहता है. वो बहुत ही लापरवाह है और वो कभी भी अपनी माँ के किसी भी घर के काम में हाथ नहीं बटाता है. One day his mother said, "Dear son, every morning I have so many things to do. You must help me in my work." एक दिन उसकी माँ कहती हैं कि बेटा, हर सुबह मेरे पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए और तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए मेरे कामों में. टॉम थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड, आई विल हेल्प यू बट ऑन वन कंडीशन. आई विल टेक 10 रुपीज़ फॉर एवरी वर्क दैट आई डू. तो टॉम थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद उत्तर देता है कि मैं आपको मदद करूँगा हर काम में, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं हर एक काम का 10 रुपये लूँगा. Tom's mother was very upset after hearing his answer, but she did not say anything to him and agreed to pay him money for his help. The next day, Tom happily helped his mother in many ways. Tom की माँ ये चीज़ सुनकर के बहुत अफसोसित हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती हैं और उसके बात को मान लेती हैं कि वो हर काम के लिए 10 रुपये उसे देंगी. दूसरे दिन टॉम जो रहता है वो खुशी खुशी अपनी माँ की बहुत तरीके से मदद करता है. ही वॉज वेरी हैप्पी. ही थॉट हिज मदर वुड गिव हिम द मनी इन द इवनिंग एंड विद दैट मनी ही वुड बाई चॉकलेट्स एंड टॉयज. वो बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि शाम को उसकी माँ उसे पैसे देंगी और वो उन पैसों से बहुत सारे चॉकलेट्स और खिलौने खरीदेगा. Before going to the bed, he made a list of things he had done during the day. सोने से पहले वो पूरे दिन उसने जो जो काम किए थे उसका एक लिस्ट बनाता है. जैसे for dusting the house, यानी झाड़ पोछ करने के लिए 10 रुपये. For watering plants, पौधों को पानी देने के लिए 10 रुपये. For getting ready for school, स्कूल के लिए रेडी होने के लिए 10 रुपये. For laying the dining table, और डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए 10 रुपये. टोटल उसने 4 काम किए थे जिसके 40 रुपये हुए. इस तरीके से वो लिस्ट बना लेता है. ही वेंट टू हिज मदर्स रूम एंड क्वाइटली लेफ्ट द पेपर ऑन हर टेबल. आफ्टर रीडिंग टॉम्स नोट हिज मदर रोट हर ओन रिस्पॉन्स विच वेंट लाइक दिस. वो लिस्ट बना करके अपनी माँ के कमरे में जाता है और शांति से उस पर्ची को रख देता है वहाँ पर और उस नोट्स को पढ़ करके उसकी माँ जो रहती हैं वो अपना रिस्पॉन्स लिख करके देती हैं जो कि इस तरीके का होता है. फॉर टेकिंग केयर ऑफ यू निल, यानी उसकी माँ अब उसका उत्तर दे रही हैं, उसने जो नोट्स बनाया था उसके जवाब में लिख रही हैं कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कुछ नहीं, यानी वो कुछ नहीं लेती हैं. क्या माँ जब आपका ख्याल रखती हैं, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, आपकी देखभाल करती हैं, तो क्या उसके लिए वो कोई पैसा लेती हैं? आंसर है नहीं, वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं. तो फॉर टेकिंग यू टू वॉक, तुम्हें वॉक पे ले जाने के लिए वो कुछ नहीं लेती हैं. फॉर नूरिशिंग यू व्हेन यू वर सिक, और जब तुम बीमार होते हो तुम्हारी देखभाल करने के लिए वो कुछ नहीं लेती हैं. फॉर प्रिपेयरिंग योर फूड निल, यानी
तुम्हारा खाना बनाने के लिए वो कुछ नहीं लेती हैं। फॉर हेल्पिंग यू इन योर होमवर्क निल, तुम्हारे होमवर्क को करने में मदद करने के लिए वो कुछ नहीं लेती हैं। फॉर वॉशिंग योर क्लोथ्स निल, और तुम्हारे कपड़े धुलने के लिए भी वो कुछ नहीं लेती हैं। फॉर हेल्पिंग यू इन गेटिंग रेडी फॉर स्कूल निल, यानी तुम्हें स्कूल के लिए रेडी होने में तुम्हारी मदद करती हैं, उसके लिए भी वो कोई चार्ज नहीं लेती हैं। टोटल निल, यानी सब मिला करके वो इन सब के बदले कोई भी चार्ज नहीं करती हैं, कोई भी पैसा नहीं लेती हैं। शी लेफ्ट हर रिस्पॉन्स ऑन हर सन्स बेड अलॉन्ग विथ ₹40, और उसके बाद वो अपना जो उत्तर होता है, यानी ये जो उन्होंने नोट्स बनाए थे, ये पूरा नोट्स अपने बेटे के बेड पे ₹40 के साथ रख देती हैं। टॉम वॉज थ्रिल्ड टू सी द मनी ऑन हिज बेड, बट वेन ही रीड द मदर्स नोट ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ही वेंट टू हिज मदर्स रूम एंड गेव हर बैक द मनी। ही ऑल्सो बेग्ड फॉरगिवनेस फॉर हिज सेल्फिशनेस एंड हग्ड हिज मदर। पहले तो टॉम जो रहता है वो अपने बेड पे पैसे को देख करके बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो अपने माँ के नोट्स को पढ़ता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है अपने आप पर। उसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाता है, पैसे वापस करता है और उनसे माफ़ी मांगता है अपने सेल्फिशनेस के लिए, और अपनी माँ को गले लगा लेता है। सो दिस वॉज अ स्मॉल बट वेरी मीनिंगफुल स्टोरी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। So this was the chapter. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1, all of us make mistakes. Number 2, our parents are our true friends. Number 3, Tom was very careless. Number 4, Tom's mother agreed to give him money. Number 5, Tom hugged his mother. Now state true or false. Number 1, our parents are our true friends. It is true. Tom was a responsible boy? False. Tom never helped his mother in any of her household work? True. Tom's mother felt sad when Tom asked for 10 rupees for every work? It is true. After reading a note, Tom felt ashamed? It is true. Now fill in the blanks with suitable words as given in the box. The box is missing, but we have to do this. Number 1. A person who corrects us when we are wrong is our dash his true friend. Tom and his dash lived in a small town. Answer is mother. Number 3. Next day Tom dash helped his mother in many ways. It is happily. Number 4. Tom asked for dash for every work. It is 10 rupees. Number 5. Tom begged dash for his selfishness and hugged his mother. Answer is forgiveness. So these were the exercises. Now question answers you will get into your homework, and one of your homework is this activity. Make a list of things that you do to help your mother at home. यहाँ पे आपको उन काम का लिस्ट बनाना है जो आप अपनी माँ की मदद करने के लिए घर में करते हैं. So you have to do it by yourself. It's your homework. That's all for today. Thank you so much.